गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रुपेश कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा जो टॉपिक चल रहा है स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ के लिए, ऑब्जेक्टिव 100 नंबर पूछता है जिसमें से आपको 50 नंबर ही बनाना होता है। तो हमने स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्लास चालू किया हूँ, आप सिर्फ 75 नंबर पढ़े, 50 नंबर लाने की गारंटी। आज मेरा टॉपिक जो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से अंतिमा टॉपिक है, जो पूछता है 1 नंबर का, दशमलव को भिन्न में बदले, 1 मार्क का पूछता है, 1 अंक का पूछता है कि दशमलव को भिन्न में बदले। तो देखिए, आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न को देखकर समझ जाएगा। पहला प्रश्न है 0.25 को कहता है किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि अगर 0.25 भिन्न बदलेंगे तो दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हम क्या देंगे, एक। उसके बाद एगो संख्या ये है, एगो संख्या तो एगो जीरो, फिर एगो ये संख्या तो एगो जीरो, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/100। जब इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 100, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1/4, ये भिन्न में हो गया। लेकिन ये आपसे नहीं पूछता है, आपसे देखिए किस तरह से पूछता है एग्जाम में। ये पूछता है 0.3 पर पावर क्या पूछता है, डैश पूछता है, यानी कि रेकरिंग पूछता है। जब 1/3 को भागा देंगे तो ये पूरा पे क्या होगा, नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसी को इस तरह से लिख दिया है, यानी कि आपको इस तरह से देगा, 3 को भागा देना 1 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से लिखता नहीं है, इस तरह से लिखता है 0.3 का डैश, तो इस तरह से लिखता था। देखिए इसको हल, मतलब इसको ये चिल्लाना होता है ये ना। तो देखिए इसको इस तरह से करते हैं, जितना संख्या है मतलब दशमलव के बाद, ध्यान देंगे दशमलव के बाद जितना संख्या है पावर, अगर उतना रेकरिंग है तो पहले पूरा संख्या लिख दीजिए, पूरा संख्या लिख दीजिए, और ये रेकरिंग का कहने का मतलब हुआ उतना नो लिख देंगे नीचे में, ठीक है। जितना रेकरिंग है उतना क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे, जय संख्या पर हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 3 कम 3, 3 3 9 आ गया, 1/3 आ गया, ये आ गया। तो देखिए ये बेसिक हो गया। अब देखिए किस तरह से पूछता है एग्जाम में, अब देखिए एग्जाम में जो है आपको इस तरह से पूछ देगा। देखिए एग्जाम में जो है आपको किस तरह से पूछ देगा, इस तरह से 0.59 पर पावर देखेंगे। तो इसको हल कैसे करेंगे, पहले सभी संख्याओं को लिख देंगे 5 9 हो गया, पूरा संख्या ई पट्टी में रहेगा तो टोटल संख्या लिख देंगे। देखिए किस पर रेकरिंग नहीं, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो ये संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे, वो संख्या को घटा देंगे। अब देखिए नीचे में क्या लिखा गया, दशमलव के बाद ध्यान देना है, दशमलव के बाद ध्यान देंगे कि कई गो संख्या पर पावर रखेंगे, सिर्फ 9 पर, तब 9 नहीं, एक संख्या है तो एक संख्या तो 9, और जिस पर नहीं है दशमलव के बाद उतना 0। बस जब इसको हर करेंगे तो आ जाएगा 54/90, कितना जाएगा, 54/90। अब इसको हर करिएगा तो कल जी 88 दूना 80, 27 दूना 54, अब 45 दूना 90, आ भी कट जाएगा, 9 3 27, 9 5 45, इतना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, और समझ में आया होगा बढ़िया से। देखिए इस प्रश्न को देखने पर आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए 2 है, ये दशमलव है, 1 3 0 है, मतलब 3 और 6 है, ये दोनों पर संख्या है पावर रेकरिंग डैश, इसको रेकरिंग बोलते हैं या फिर बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सभी सबसे पहले हमको हल करने के लिए सभी संख्या लिख देंगे, तो सभी संख्या कितना गया, 1 1 3 6। अब नीचे में होता है जिस पर, किस पर नहीं है, इतना पर नहीं है, इतना पर पावर नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, उसको घटा देंगे। अब दशमलव के बाद ध्यान देंगे, कै गो है, 2 गो संख्या पर है बार, तो 2 गो 9 देंगे, आ इस पर नहीं है तो 1 गो 0 देंगे,
यानी कि कहने का मतलब हुआ किस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सभी संख्याओं को लिख देंगे। अब दशमलव के बाद ध्यान देंगे कि जितना पर पावर है बार है उतना संख्या जिस संख्या मतलब जितना संख्या पर है उतना 9 देंगे और जितना संख्या पर नहीं है उतना 0 देंगे। कब? दशमलव के बाद 12 ध्यान देना है। तो चलिए इसको हल कीजिए, चलिए इसको देखिए, जब इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5, इसको घटाएंगे तो कितना 1, बाकी सब उसी रह जाएगा इतना, अब बटे कितना 990। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, इसको आप लोग क्या करिएगा हल कर लीजिएगा, कट जाएगा 5 से ये कटेगा 5 से ये कटेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चला देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, देखिए अगला क्या करेंगे हल करने के लिए सभी संख्या लिख देंगे 387 लिखा गया। अब देखिए किस पर लिख रही नहीं है, 3 पर लिख रही नहीं है, तो 3 को क्या कर देंगे घटा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद ध्यान देंगे, दशमलव के बाद में ध्यान देते हैं तो 2 संख्या पर है पावर तो 2 9 दिखेंगे बस। अब इसको हल कर लीजिएगा आप लोग 3 8 4 9 9 इतना आपका आंसर हो गया, आप लोग हल कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये प्रश्न को देख लीजिएगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे पूरी संख्या लिख देंगे, दशमलव मतलब 0 0 8 0 8 पूरा संख्या लिखा गया। अब देखिए ये दोनों पर पावर है और इस पर पावर नहीं है, क्या किए हम पूरी संख्या को लिख दिए, ये 2 संख्या पर है इस पर नहीं है तो क्या करेंगे पूरी संख्या घटा देंगे। जब नहीं समझेगा तो 0 0 8 पूरी संख्या घटा दिए। अब नीचे हम क्या लिखाएगा कई गो पर पावर है 2 पर तो 2 9 ये 2 पर दशमलव पर 2 पर नहीं है तो 2 0। अब इसको हल कीजिएगा तो 8 में से 8 चलेगा तो कितना बचेगा 800 बस, अब कुछ नहीं बचेगा, नीचे में जितना है उतना बचेगा बस। अब इसको काट कर हल कर लीजिएगा आप लोग, 8/99 आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यही बात ध्यान देना है कि दशमलव के बाद ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करेंगे हल करने के लिए पूरी संख्या को लिख देंगे और दशमलव के बाद अगर जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना संख्या क्या करेंगे 9 देंगे और दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे और जितना पर नहीं उतना घटा देंगे। बस यही आपको करना है तो आपका 1 नंबर प्लस पॉइंट हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी नंबर बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।